कि आप लोगों का क्लास 9th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 23 जुलाई के दिन जो है ना आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग सोशल साइंस का बिल्कुल 101% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर हम आपको बताने वाला है, क्योंकि पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बता दिए थे। यदि आप नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की डाउनलोड करने के लिए PDF के रूप में बता दूंगा। तो देखिएगा विषय कोड आपका 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसका आंसर की मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले ना सेशन ए में लघु उत्तर प्रश्न पूछा है, 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है, आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। ये टोटल जो है ना 2 नंबर वाला प्रश्न है, यानी कि टोटल ये आपका 10 नंबर के लिए होगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ प्यारे बच्चों आपको, जैसे कि हिस्ट्री यानी इतिहास है इसमें 2 क्वेश्चन मिलेगा, सारे सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन मिलेगा। या तो आप ऊपर वाला बनाते हो तो नीचे वाला नहीं बनाना है, क्योंकि बीच में 8वां लिखा है, और नीचे के वाला बनाओगे तो ऊपर वाला नहीं बनाना है, मैंने पहले क्लियर कर दिया। अब चलिए फटाफट से मैं आपको सारे प्रश्न पढ़ के बताता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, 2 नंबर की सुरक्षा परिषद क्या है, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस में यहां पर दिया जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस में जो है ना इसमें 3 नंबर की लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, और 8वां में दिया गया है कि किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखे। इकोनॉमिक्स में उसी प्रकार से दिया है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में बेरोजगारी के कोई 4 प्रमुख कारण लिखे, और 8वां में दिया 6 नंबर में कि कृषक मजदूर को किसे कहा जाता है। अब देखिए आपका यहां पर हो जाता है भूगोल में, इसमें भी दिया जा रहा है 7 नंबर प्रश्न, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, 8वां में दिया कि मानव संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालना है। चलिए इसके आगे बढ़िएगा ना। तो प्यारे बच्चों आपसे अब जो ना आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा है, आपदा प्रबंधन में देखेंगे ना तो इसमें आप लोगों से 9 नंबर प्रश्न पूछा है, प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें, और 8वां में दिया गया है सूखे की परिभाषा दें। आप चलिए पहले आंसर की डाउनलोड करने के लिए सीखते, फिर आगे हम प्रश्न आपको बताएंगे। गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को जल्दी से चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना, नीचे आओगे तो क्लास 9th का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप इस प्रकार से लिखा मिलेगा, सामने में ज्वाइन नाउ लिखा होगा तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2026 में आप लोग फाइनल एग्जाम क्लास 10th का दोगे, और इसी मंथ आप लोगों का 2026 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल फ्री होगा, तो आप लोगों को नोट्स भी इसमें दिया जाएगा, तो आप लोग जुड़ जाना। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस, इसके अलावा आप लोग देखेंगे ना मैथ इंग्लिश उर्दू नॉन हिंदी सबका मिलेगा। फिलहाल हमें अभी करना है सोशल साइंस का, सामने लिखा है डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, तो पेज को रिफ्रेश कर लेना, पेज को नीचे को खींचना होता है क्योंकि सब्जेक्ट प्रश्न का आंसर के हम डालेंगे ना तो अपडेट किया जाता है, आप रिफ्रेश कर जब भी आओगे तो कर लेना ताकि आपको मिल जाएगा। आप चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की देखने को बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हो ऑब्जेक्टिव बड़ा। फिर आप नीचे आओगे तो जो सब्जेक्टिव प्रश्न दिखा रहा है उसका आंसर की मैं यहाँ पर कुछ ही देर में डाल दूंगा, तो आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लेना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप हमेशा बार बार आकर के चेकआउट करते रहो, बिल्कुल यहाँ पर आंसर की डाल दिया जाएगा। तो प्यारा बच्चों यहाँ पर देख लीजिए आप जो ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जा रहा है, इसमें देखेंगे ना 1, 11 से 18 तक प्रश्न है, इसमें से आपको 4 प्रश्नों को बनाना है, तो ये आपका 4 नंबर वाला प्रश्न यानी टोटल 16 नंबर के लिए होगा। तो चलिए मैं आपको सारे प्रश्न पढ़ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें भी देखिए हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन है, जैसे कि 11 नंबर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे, 8वां में दिया गया कि जर्मनी में हिटलर के उद्देश्य के क्या कारण थे। अब राजनीति विज्ञान में कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन आवश्यक शर्तें हैं, उसके बाद 14 नंबर है सूचना का अधिकार का मुख्य प्रावधान क्या है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें 15 नंबर है जनसंख्या और जनगणना में अंतर स्पष्ट करें, और 8वां में दिया गया 16 नंबर की भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या करें। अब इसके बाद आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का है, इसमें 17 नंबर प्रश्न, क्षेत्रीय अध्ययन की कार्य विधि का वर्णन कीजिए, 8वां में दिया गया वायु प्रदूषण से होने वाली हानि का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग मैथ का प्लस में जो है ना इंग्लिश का पेपर लेकर के आ रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, अच्छी बात है, वीडियो को भी लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह का पेपर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।